Hello, my dear friends. Very, very good mornings. And today we will discuss about a very important disease of livestock and pet animals, that is rabies. So, rabies is the acute viral encephalitis and that principally affect the carnivores and insectivores bats, although it can be affect any animals. Basically, देखा गया है कि जो जितने भी mammals हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बिकॉज बेसिकली देर इज जो नर्वस सिस्टम होता है वो सभी एनिमल्स के अंदर होता है, एंड इट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फेटल वंस क्लिनिकल साइंस अपीयर. एक बार क्लिनिकल साइन अपीयर होने के बाद ये फेटल होती है, एंड फ्यू ए फ्यू डेज कंट्री एक फ्यू कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम दिस डिजीज ड्यू टू सक्सेसफुल इरेडिकेशन प्रोग्राम. एंड इटियोलॉजी आपको पता है इसकी. इटियोलॉजी इज ए रेबडो वायरस विच इज न्यूरोट्रोपिक वायरस इन नेचर एंड हैज ए एफिनिटी फॉर द स्लाइवा स्लाइवा ग्लैंड्स. एंड देयर इज टू स्ट्रेन ऑफ वायरस, दैट इज फिक्स्ड स्ट्रेन एंड स्ट्रीट स्ट्रेन. फिक्स स्ट्रेन ये होता है कि फिक्स स्ट्रेन में उसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, और वो लैब में तैयार किया गया है फिक्स स्ट्रेन. एक होता है स्ट्रीट स्ट्रेन जो बेसिकली नॉर्मली इन्वायरमेंट में मिलता है उसको बोलते हैं स्ट्रीट स्ट्रेन. बेसिकली द फिक्स जो स्ट्रेन है दैट फिक्स स्ट्रेन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सर्वल प्रोसेसिंग ऑफ वायरल एंड रैबिट विच फिक्स देयर प्रॉपर्टीज लाइक इनक्यूबेशन स्फीयर डिजीज प्रोडक्शन कैपेसिटी. बट इन केस ऑफ स्ट्रीट स्ट्रेन इट अकर नॉर्मली इन द नेचर एंड इट हैज वेरिएबल लॉन्ग इनक्यूबेशन पीरियड. Next is transmission. Transmission is almost by the introduction of virus laden saliva into the tissue, usually by the bite of the rabid animals. And the virus is present in saliva, so the infection spread through bites. The wild carnivores like wolves, jackals act as a reservoir of this virus, and the insectivorous bats, vampires, bats. Harbor the virus without any symptoms, and the virus is present in saliva of dog up to 5 days before the clinical symptoms appear. कई बार क्या होता है कि जब clinical symptoms आते हैं उसके 5 दिन पहले भी उसके अंदर virus present हो सकता है. Incubation period है वो है depending upon the site of bite, vary from the weeks to 9 months. Basically देखा गया है कि जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि जो बाइट किया है डॉग ने वो साइट क्या है. अगर वो पैरों पे बाइट किया है तो नर्वस सिस्टम के CNS तक जाएगा, यानी ब्रेन तक जाएगा. ब्रेन तक जाएगा अगर सपोज करो गर्दन के आसपास काटा है तो ब्रेन तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा, और अगर पैरों पे काटा है या हाथों पे काटा है तो ब्रेन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इनक्यूबेशन पीरियड है वो अलग अलग है डिपेंड अपॉन द साइट. And the pathogenesis pathogenesis is just from the bite of a virus reaching the brain and और क्या करता है and brain is damaged, the nerve cell and vascular endothelium grow in ganglion cell and there is irritation due to nervous cell cause excitability and producing furious form. जो furious form होती है एक इसमें आपने पढ़ा भी होगा कई बार, एक तो डिजीज होने के बाद दो फॉर्म होती है, एक तो होती है फ्यूरियस फॉर्म एक होती है डम फॉर्म. फ्यूरियस फॉर्म में तो वो एक्साइटेबिलिटी शो करेगा, इधर उधर घूमेगा, काटेगा, दौड़ेगा, मास्टर से उसका जो मालिक होता है डॉग का उसको नहीं बचानेगा. एक होती है डम फॉर्म, डम फॉर्म में वो ऐसा ही पड़ा रहेगा सुस्त की तरह, ठीक है. तो जब इरिटेशन होती है नर्वस सिस्टम में दैट काज एक्साइटेबिलिटी एंड लीड टू द फ्यूरियस फॉर्म ड्यू टू द अफेक्शन ऑफ मेडुला फीवर पोलियरिया एंड ग्लूकोशोरिया. ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा एंड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डिग्लुटेशन मसल्स एनिमल इज अनेबल टू स्वेलो एंड स्लाइवा ट्रिबल्स जा हैंग डाउन. और जो क्या होता है कि जो ट्रेक इसोफेगस है उसका उसमें क्या होता है उसमें पैरालिसिस हो जाता है. पैरालिसिस होने के बाद वो क्या करेगा कि एनिमल्स है तो कुछ भी स्वेलो नहीं कर पाता है, पानी नहीं पी पाता है. तो जब उसको ज़्यादा ग्लूकोज की कमी होगी और बॉडी कंडीशंस ज़्यादा वीक होगी तो उसको प्यास लगेगी,
और उस टाइम पे क्या है वो उसकी जो मसल्स है, मसल्स में जैसे हाँ पैरालिसिस है तो पानी नहीं पी पाएगा। जब भी वो वाटर को देखेगा तो उसको पीने की कोशिश करेगा, मतलब उससे मतलब ये कहने की कोशिश करेगा कि मेरे को पानी पिला दो। दैट्स वाई तो उससे हमें लगता है कि उसको वो पानी से डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता बेसिकली। उसको इसीलिए हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, क्योंकि जो अफेक्टेड एनिमल है या मेंस में कि जो पैरालिसिस होने के बाद मसल्स का वो पानी नहीं पी पाता और उसको जो प्यास लगी होती है तो वो पानी पीने के लिए बोलता है और बोल नहीं पाता, तो इसलिए जो आसपास के लोग हैं वो सोचते हैं कि पानी से डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल्स वांट टू ड्रिंक वाटर, दैट्स व्हाई हिज सो एक्साइटेबिलिटी एंड द पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स लीड टू द रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ फ्रॉम द ब्रेन एंड वायरस स्प्रेड साइंटिफिकली। हाँ देर इज अलोंग द नर्वस लाइन ऑफ सलाइवा ग्लैंड फेशियल एंड ग्लॉसोफेरियल एंड देर इज एक्सक्रीटेड थ्रू द सलाइवा, इट मे स्प्रेड थ्रू मिल्क एंड फिटस। क्लिनिकल साइंस आर बेबीज रेयरली इन द डेफिनेटिव एंड रेविडेंट एनिमल आर ऑफ द स्पीसीज एक्साइटेबिलिटी टिपिकल साइन ऑफ विद माइनर वेरिएशन अमंग स्पीसीज। द मोस्ट रिलायबल साइन रिगार्डलेस ऑफ स्पीसीज आर इन डॉग्स मैनिफेस्टेड जस्ट लाइक फ्यूरियस फॉर्म एनिमल इज वेरी एक्साइटेबल बाइट एवरीबडी स्नेप बार्क एट इमेजिनरी बॉडी च्यू ऑल ऑब्जेक्ट आईज आर रेड हैव वैकेंट लुक एंड कंपेनिंग दी जा एंड ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा। इन केस ऑफ डम फॉर्म द एनिमल इज डम एंड सैड कंडीशंस इट डज नॉट ओबे दी ऑर्डर्स डू नॉट रिकोगनाइज दी मास्टर्स लोअर द हैंग्स एंड ड्रिबल द स्लाइवा। डेथ अकर विद इन 3 to 4 days। इन हॉर्स देर इज मैनिया अलोंग विद दी कोलिक सिम्टम्स। अगर हम कैटल की बात करें तो कैटल में फ्यूरियस फॉर्म वो ही मिलती है और डम फॉर्म दोनों ही मिलती है। कैटल इज फ्यूरियस रेबिड आर डेंजरस एंड देर इज बेलोविंग एंड ब्लीडिंग एंड बुल एंड रैम शो एक्सेसिव सेक्सुअल अर्ज। ये देखा गया कि अगर बुल के अंदर रेबीज होगी तो वो ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज शो करेगा। एंड ग्रोस लेसन्स देर इज उसमें क्या होता है कि देर इज हाइपरमिया एडिमा ऑफ मेनिंजस जो एंड फ्यू पेटिक हेमरेजेस देर पेरिवास्कुलर कफिंग होगी। दीज आर सम चेंजेस इन हिप्पोकैम्पस। और डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस बेसिकली सबसे पहले तो हम सिम्टम्स की तरफ देखेंगे। सिम्टम्स आ रहे हैं तो सिम्टम्स आने के बाद क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर लेंगे डॉग को। आइसोलेट करने के बाद वो 10 दिन के अंदर मर जाएगा, तो क्या है रेबीज थी उसको। एंड इफ देर इंप्रेशन स्मेयर बनानी चाहिए हम वो बना सकते हैं, हिप्पोकैम्पस रीजन ले सकते हैं और उसमें स्टील स्टेनिंग से स्टेन करेंगे तो उसमें नेगरी बॉडी दिखेगी। एंड देर इज ए हेबल माउस इनोकुलेशन टेस्ट है, वो कर सकते हैं हम बायोलॉजिकल इनोकुलेशन टेस्ट में रेबिट, ये उसमें बायो रेबिट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो दीज आर सम हाँ डायग्नोसिस मेथड्स विच आर अवेलेबल्स। एंड इसमें क्या होता है कि हाँ बेसिकली इसमें इट इज ए फेटल डिजीज, इज ऑलमोस्ट फेटल आफ्टर अपीयरेंस ऑफ एनी क्लिनिकल साइन। दैट्स वाई प्रिवेंशन ऑफ रेबीज इज बेटर देन क्योर। अगर हम उसकी बात करें, इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसका ट्रीटमेंट क्लिनिकल सिम्टम्स आने के बाद पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो वैक्सीनेशन लगती है प्री बाइट और पोस्ट बाइट, प्री बाइटिक बाइट का मतलब ये है कि आप वैक्सीन कुत्ते काटने से पहले वैक्सीन आपने लगवा रखी है, और एक होता है पोस्ट बाइट। पोस्ट बाइट का मतलब ये है कि आप कुत्ते काटने के बाद दबाओगे, स्पेशली पोस्ट बाइट ही लगानी होती है एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी। अगर आप किसी कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को काट लिया हो रेबिट डॉग ने, तो उसके लिए क्या वैक्सीनेशन लगाओगे, तो आप उसको विद इन 3 डेज आप उसको वैक्सीनेशन शुरू करोगे। जिस दिन लगाओगे वो पहला दिन है वो 0, 3, 7, 14, 30 और 19, ये शेड्यूल रहेगा। इसके दौरान आपको वैक्सीन लगानी है और जो बूस्टर डोज लगती रहेगी वो 90 वाली, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होगा इम्यून बूस्टर होगा और इसको इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने में टाइम कम लगेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑफ लाइव स्टॉक। इसमें आपको देखना है कि
और इसका जो वैक्सीनेशन है वो एडविन लुइस पास्टर ने बनाया था, और वही लुइस पास्टर जिसने बैक्टीरिया वगैरह की खोज की थी, और पेरिस में जो पास्टर इंस्टीट्यूट है, और उसने मिल्क का पास्टराइजेशन के बारे में उसने बताया था। तो ही वॉज ए लीडिंग साइंटिस्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अनदर डिजीज।